लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर की कार्रवाई की जो घटना हुई है वो सबसे खास बात यह है कि आज ये माफी मांगने को तैयार था। आज जब ये माफी मांगने को तैयार था तो ये नंगा तो ये हो ही गया खुद ही, इसके पास कुछ नहीं है कहने के लिए, ना ये केवल सरासर सफेद झूठ बोल रहा था। अब इसका मुंह काला होगा और लोग देश जानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को जो गाली बक रहा था तो ये झूठ बोल रहा था, सरासर सफेद झूठ बोल रहा था। लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी ने नहीं माना तो अब आगे देखिए फैसला क्या होता है। लेकिन हाँ, फिलहाल ये अहमदाबाद जा रहा है तो निश्चित तौर पर अहमदाबाद जेल में इसको मीठा बना देगा वो पक्का है लारेंस बिश्नोई। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा तुझे गुजरात कोर्ट जाना पड़ेगा। आप सोचिए, मैं तो कल्पना करता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई उसी जेल में है, साबरमती जेल में, और उसी अहमदाबाद की कोर्ट से इसको वारंट है जिसको रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही पहुंचा था। नहीं मनीष जी, ये अहमदाबाद में वहां लॉरेंस बिश्नोई के पास जेल में पहुंचेगा तो ये मीठा बन जाएगा, ये कहेगा आओ तुम भी, तुम थोड़ा स्वाद चख लो मेरा, लेकिन मुझको बख्शो, तो ये मीठा हो जाएगा, इसकी कोई वो नहीं है। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर की कार्रवाई की जो घटना हुई है वो सबसे खास बात यह है कि आज ये माफी मांगने को तैयार था। ये सबसे खास बात है कि ये माफी मांगने को तैयार था, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी या गुजरात यूनिवर्सिटी के जो वकील थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, अन्यथा ये फैसला आज हो जाता कि वो जो अभिषेक मनु, एक तो अभिषेक मनु सिंघवी को तो इसने ऐसे रख लिया है जैसे कोई ड्राइवर रखता है अपने यहाँ, इसके हार मुकदमे में वही खड़ा है। बताते कोई कहता 35 लाख रुपए लेता है एक पेशी के, कोई कहता 40 लाख रुपए लेता है, और वो आदमी हर जगह अभिषेक मनु सिंह भी, तो उसका किराया, उसका जो किराया है कौन दे रहा है उस टैक्सी का जो लीगल टैक्सी इसने कर ली है। हर आज भी अभिषेक मनु सिंह भी था तो अभिषेक मनु सिंह ने जो अदालत में कहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि एक तरह से वो अगर स्वीकार करे तो माफी मांगने को तैयार है कि उनसे गलती हो गई है, वो गुजरात यूनिवर्सिटी ने उसको स्वीकार नहीं किया तो अब ये मुकदमा चलेगा और केजरी उसमें भी जेल जाएगा। क्योंकि आज जब ये माफी मांगने को तैयार था तो ये नंगा तो ये हो ही गया खुद ही कि इसके पास कुछ नहीं है कहने के लिए, ना ये केवल सरासर सफेद झूठ बोल रहा था और इस देश के प्रधानमंत्री को अनपढ़ बता रहा था, उसकी डिग्री को फर्जी बता रहा था। अब इसका मुंह काला होगा और लोग देश जानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को जो गाली बक रहा था तो ये झूठ बोल रहा था, सरासर सफेद झूठ बोल रहा था। तो आज जो अभिषेक मनु सिंघवी ने भी एक तरह से इसको बचाने की कोशिश की कि बड़े इसी रास्ते बच जाएंगे, लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी ने नहीं माना तो अब आगे देखिए फैसला क्या होता है। लेकिन हाँ, फिलहाल ये अहमदाबाद जा रहा है तो निश्चित तौर पर अहमदाबाद जेल में इसको मीठा बना देगा वो पक्का है लॉरेंस बिश्नोई। मैंने दिन में वो शो किया है, व्यूअर्स उसको जरूर से देखिएगा। खैर, थोड़ा सा मेरा लीगल एंगल है, मैं इसीलिए चाह रहा था कि इस पर थोड़ा चटकारा सतीश जी से लिया जाए। लेकिन सर, जब लॉरेंस बिश्नोई को ये पता चलेगा, वो स्वाति मालीवाल का ये ट्वीट जब पड़ेगा, सोचिए, ये सोच रहा था कि चुपके चुपके शीश माल जो है ना वो अपनी मार्लिना को दे देगा, लेकिन बीच में रास्ते में PWDI वाला बेटा रूल के मुताबिक होगा, ठीक है तुम्हारी मार्लिना को ही जाएगा ये, लेकिन रूल से जाएगा ना। तो अब ये पता चला है, जो स्वाति मालीवाल इसी की सांसद है राज्यसभा की, वो कह रही है 5.6 करोड़ के रिमोट वाले पर्दे। सोचिए, मतलब रूह कांप जाती है। ये आदमी आंदोलन करके आया कि 2 बेडरूम में चीफ मिनिस्टर को रहना चाहिए, सरकारी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी क्यों, 6 करोड़ के रिमोट वाला पर्दा रखे हुए था, 1 करोड़ की रेलिंग, 70 लाख की ऑटोमेटिक दरवाजे, 65 लाख के टीवी, 65 लाख के टेलीविजन, 30 लाख के रिमोट कंट्रोल लाइट, 12-12 लाख की टॉयलेट सीटें जिस पर ही हगता मुत्ता था, वो जो गायब है, मतलब उठा के ले गया उसको, जैसे वो टोटी ले गया था ना, और 5वीं 9वीं फेल, वो पूरा 36-36 एसी एयर कंडीशन, वो बेड सब कुछ ले गया वहां से, उखाड़ उखाड़ करके स्विमिंग पूल उखाड़ लिया, वैसे इसने टॉयलेट सीट उखाड़ लिया, 9 लाख का फ्रिज भाग गया लेके, 4 लाख की मसाज वाली कुर्सी। तो इतना माल है तो बिश्नोई कहेगा बेटा तू तो 12 साल में बहुत कमाया है, यहां कुछ ढीला कर। तो आप तो मीठा वाली बात करें, बिश्नोई तो सिर्फ मीठापन से तो मानेगा नहीं, यदि उसका टेस्ट मीठा वाला नहीं है तब तो इसकी मुश्किलें। मगर उसकी बीच में मुझे इसका ये चेहरा याद आता है, तो मुझे लगता है कि जब आप संत बनते हैं, ये चेहरा, ये जो फ्रेम है, ये इन सब चीजों पे ढोंग दिखता है। नहीं, ढोंगी पाक बने का बनी जी, इसने गालियों को बड़ा निचले स्तर पे ला दिया है।
गालियां इसके लिए छोटी पड़ने लगी, इसके लिए मैं क्या बोलूं क्या शब्द कहूं, क्योंकि मैं इसको 13 साल से इसी तरह इन्हीं हालत में देख रहा हूं, लगातार ये बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या इसके लिए कोई भी गाली इसके लिए छोटी है? ये आदमी सारी हदें पार कर चुका है निष्ठा और नंगई की, और हम लोग इसको मजाक में जो अभी ले रहे हैं ये मजाक के नहीं, ये बड़े शर्मनाक दौर है हिंदुस्तान की राजनीति का। और सबसे खास बात मनीष जी, इसने आने वाले 20-25-30 साल बाद, इसके मरने के भी 25-30 साल बाद तक के लिए इसने किसी भी आंदोलन का यहाँ पे कोई भी स्कोप खत्म कर दिया। अब कोई भी आदमी आएगा तो लोग कहेंगे अरे केजरीवाल भी यही कहता था, और ये कैसे कहता था उस तरह से शायद कोई कह भी नहीं पाएगा। तो ये वो बाबा खड़क सिंह हो गया, बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह की जो कहानी है, तो ये बिल्कुल वही आदमी है। और ये आदमी, इसको क्या कहूँ, इसको इसको जब तक सजा नहीं मिलेगी और कठोर दंड नहीं मिलेगा तब तक मनीष ये मानेगा नहीं, ये इसी तरह के कलाकारी करता रहेगा। और आज ये जो वैष्णो देवी गया, ये फिर वही नौटंकी करने गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे इन सब चीजों से लगता है कि क्या ऐसे ऐसे लोग सर भगवान से भी नहीं डरते हैं क्या? ये जो राम मंदिर पर कहा कि मेरी नानी कहा करती थी कि वैसे मंदिर नहीं जो किसी मस्जिद को तोड़ करके बना, फिर देखिए उसी राम मंदिर में ढोंग करने गया। उस दिन मैं स्वयं अयोध्या में था जब जिस दिन ये पहुंचा था वहां, आज ये वैष्णो देवी है सनातन को इतनी खाली पुष्टिकरण के वो फिर खोल देखिए। अब मेरी उम्मीद एक ही तरफ है मनीष जी, कि जरा महाराष्ट्र के चुनाव हो जाए 23 तारीख को महाराष्ट्र और झारखंड के, उसके बाद मुझको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह वो पूरा ध्यान दिल्ली के ऊपर केंद्रित करेंगे, और तब इसकी वास्तव में इसके बुरे दिन शुरू होंगे चुनाव के हिसाब से। जब वहां दिल्ली में भाजपा मुझको सक्रिय नजर आएगी, अभी नजर नहीं आ रही, अभी भी मुझको नजर नहीं आ रही, इक्का दुक्का बाइट हो जाती है, वह टेलीविजन पे आ जाते हैं, फोटो दिख जाती है। इसके लिए 24 आवर वाला पॉलिटिशियन चाहिए जो इसकी नाक में दम कर दे, तब इससे पिंड छूटेगा, अन्यथा ये पापी तीसरी बार भी दिल्ली में आ जाएगा मनीष जी। बिल्कुल, और कमाल की बात देखिए कि दिल्ली की जो स्थिति है छठ आने वाली है, और यमुना मुझे लग रहा है कि अभी सबसे बदतर कंडीशन में है। जब उससे पूछा गया तो कहा कि नहीं मुझे जेल भेज दिया गया वरना मैं यमुना साफ कर देता। मुझे लगता है कि उसी समय जिस लोगों ने इसके गाल पर जो लगाया था वैसा ही कोई लोग ढूंढ रहे हैं। मतलब कई बार लगता है सचमुच कुछ लोग लिख रहे थे कि यदि किसी को गाली देना हो तो इसका नाम पुकार करके बोल दीजिए उसे, तो लोग गाली। आज भी जब बिहार में वैसे एक केजरीवाल निकला, लोग उसे जब केजरीवाल बोल देते हैं उसे भी गाली लग जाता है। अच्छी बात आपने कही कि किसी हर आंदोलन किसने हत्या कर दी, कोई उम्मीद ही नहीं रखी इसने आने वाले 50 साल। तो इसीलिए समझिए एक एक फैक्ट को हमने समझने की कोशिष की, हमने उस नैरेटिव जो षड्यंत्र का है उसे तोड़ने काटने की कोशिश की। ये हम सबका प्रयास है, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वंदे मातरम। जय हिंद।